तय सिर्फ तुझे करना कि तुझे कौन चाहिए, ये बालन या फिर तेरी आई। क्या बदतमीजी है? पता सच का है? थानेदार साहब, हमने हमारे साथीदार के कहने पे तो हम की जेब में पैसे रखे थे ताकि हम उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा सके। इतना ही नहीं, हमने नोटों का सीरियल नंबर तक लिख करके रखा था। ये सब तुमने किसके कहने पे किया? इनके कहने पे। रईस, लेके जाओ सबका। आई ने हमरे को तय करने को कहा है कि हम बिष्णु लाला बनना चाहते हैं या सोहम देशमुख, और हमने सोहम देशमुख को चुना क्योंकि बिष्णु लाला बनकर हमरे को पैसा और बाहुबली का पद तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार मिल रहा है ना आई का, वो कभी नहीं मिलेगा। विष्णु को लोग डर की नजरों से देखते हैं और सोहम को इज्जत। अब हम कभी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमरे दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी इज्जत थी ना, वो सब गवा बैठे हैं आप। अब आपसे कोई ना मतलब नहीं है हमरा। अब आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारेंगे हम। अपने परिवार के साथ आज बैठकर सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, अपने घर को अपने हाथों से सजाया था हम। आपकी वजह से सत्यनारायण का आशीर्वाद से वंचित रहे हम, इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको। विष्णु, ओ घर में तेरे को कभी इज्जत नहीं मिलेगी। हमारी बात कान खोल कर सुन ले, ये लोग कभी नहीं अपनाएंगे तेरे को, कभी नहीं। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे डर मत बेटा, सब ठीक हो जाए। गौरी, एक बार फोन करके पूछना वो लोग कहां तक पहुंचे। मैं कॉल करती हूँ। जब तक वो घर पर नहीं आ जाते मुझे चैन नहीं आएगा। वो लोग आ गए। सोम, कैसा है तू? उन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माई, कुछ नहीं किया। अब काहे इतना परेशान हो रही है? हम आ गए ना घर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तेरी कोई गलती थी ही नहीं तो वो लोग तुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते? उनके पास क्या सबूत था कि चोरी तूने की थी? उनके पास कोई सबूत नहीं था वर्षा, क्योंकि इसने चोरी नहीं। मतलब ये जो कुछ भी किया है वो उस बालन ने किया है। अपनी चाल अपने पे ही उल्टी पड़ गई। विष्णु की जमानत देने आ गया।
अरे कितनी मेहनत से हमने वो रुपया वो किचे में रखवाए थे। हम सोचे थे कि ये सब होने के बाद मानव उनको घर से निकाल देगा और हम उनको लेके गांव चले जाऊंगा। बालन ने ये सब कुछ सोहम को मानव जीजू की नजरों में गिराने के लिए किया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तू काहे हमेशा अपने आप को दोष देती है? देख ना सोहम, तू अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और वो इंसान हर कोशिश कर रहा है तुझे रोकने की, और इसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी वजह से आज वो तुम सबकी जिंदगी में आया और ये सब कुछ कर रहा है। भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम उसे और उसकी काली जिंदगी से बहुत दूर आ गए हैं ना, कुछ नहीं कर सकता हमरा। अब हमको हमरे बारे में सोचना है, हमरे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना है। जॉन बहुत अच्छी होगी माई, तू सही कह रहा है। उस आदमी की वजह से हम हमारे भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। वर्षा हो गई तसल्ली, अब सुलोचना ताई के पास जा, वो बिचारी वहां परेशान होती होगी। हाँ वर्षा। चलो वर्षा, मैं छोड़ देता हूँ। तू अपना ख्याल रख रहा है। तू भी माई। ताई मैं चलती हूँ। अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं भी निकलती हूँ। वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हाँ सोम, एक काम कर, इसे छोड़ दे घर तक जा। नहीं नहीं अर्चना जी, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी जब देर रात हॉस्पिटल से आती थी तो ऑटो मिल ही जाता था। ये हॉस्पिटल नहीं है ना, ये मेरा घर है। सोम जा इसे छोड़ कर। जी मैंने कहा ना, सोम तुझे छोड़ के आ रहा। जा सोम, क्या देख रहा है, जा इसे छोड़ने। आती रहना। चलिए। रुकिए, रिक्शा ढूंढना पड़े। ए, ऑटो रुक रुक रुक। ए, रुक। ए, रिक्शा रुक जाए। इतनी बारिश में रिक्शा रुकेगा नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। चलिए। इतनी बारिश में इनको छोड़ने आना पड़ रहा है, दिन भर में थके हुए हैं हम। ई काका है, काम तो है नहीं, जेकर चक्कर काटे हैं हमने बेबजे। बात कर रहा था। हे भगवान, ये आपत की बुढ़िया को काहे हमरे गले में बांधा है। संभलती नहीं तो पिता कहाँ है, चल भाग यहाँ से। सॉरी सॉरी। चलिए। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ वो तो दिख ही रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। मुंह फाड़ के कह नहीं सकती थी, धीरे चलिए। लो पकड़ो इको। सुनो तुम भी छाते के अंदर आ जाओ। कोनो जरूरत नहीं है हमरे को, हम भी ऊप मैनेजर कर लेंगे। क्या? इट्स मैनेज। हाँ हाँ ठीक है, वो हमरी जबान फिसल गई बारिश। अच्छा कोई बात नहीं, तुम छाते के अंदर आ जाओ वरना तुम्हें जुखाम लग जाएगी और फिर तुम इसका ब्लेम भी मेरे ऊपर ही डालोगे, और वैसे भी ये तुम्हारी छतरी है।
चलिए। पता नहीं कौनों के चक्कर में फंस गए। एक्सक्यूज मी, किसके चक्कर में क्या? अर्चना जी और पूर्वी ने जिद करी इसलिए मुझे रुकना पड़ा, और तुम खुद मना नहीं कर सकते थे? हम तो 1 मिनट में मना कर देते। तू आई ने बोला तेरे को छोड़ने के लिए, इससे छोड़ने आ रहे हैं। तू क्या रुकी थी वहाँ? तू घर की सदस्य है। देखो, अर्चना जी की वजह से मुझे वहाँ रुकना पड़ा, और तुम मानो या ना मानो घर के बाकी सब लोग मुझे घर का सदस्य मानते हैं, और वैसे भी उनकी हालत ही कुछ का? आई क्या आई काका? जब तुम्हें पुलिस लेके गई थी ना, तो वो थोड़ी पैनिक हो गई थी, और वैसे भी उन्हें सदमा लगा था, तो उनकी वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। और ये मत भूलो कि वो अभी भी मेरी पेशेंट है। का? का पेस? इट्स पेशेंट, मतलब मरीज। हैसन कैसे? तुमने तो कहा था कि तू को आखिरी सुई लगा के आई है, सब इलाज हो गया होगा तो फिर? अरे हाँ बाबा, वो उनका आखिरी इंजेक्शन था, लेकिन वो अभी अभी कोमा से बाहर आई है ना, और ऐसे पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसे पकड़ो। मैडम जी, चलिए, घर बहुत दूर है तोरा। इतना बचपना करत है, बारिश में बच्चों के साथ खेलत है, फिर काहे अपने आप को सोफिस्टिकेटेड कहते हैं? इट्स सोफिस्टिकेटेड, और वैसे भी इसे लाइफ को एंजॉय करना कहते हैं। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बारिश में भीगना और नाचना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हो गया, चले। चलिए। अच्छा बाय। ये लीजिए, आ गया तोरा घर, हमारी जिम्मेदारी खत्म, जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, और हमरा चाहता है लेके जाएंगी का? आई एम सॉरी, वो गलती से। तू आ गया सब? तो हम तेरे लिए खाना लगा देते हैं। अभी तो सोई नहीं अभी तक। नहीं, तेरा इंतजार कर रही थी, बैठ। कुछ और चाहिए? क्या हुआ? आई सोना, हमने बारे में कुछ भी सोचा, हम जानते हैं कि तू हमरे को कभी गलत नहीं सोचेगी, चाहे दुनिया हमरे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर तू हमेशा हमरे साथ रहेगी। माँ ऐसी होती सो, माँ को पता होता है कि उसका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे हमेशा से पता था तू ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि तू बदल गया है, लेकिन एक और बात थी, बाला ने जो कुछ भी तेरे साथ किया था उसने यही सोचकर किया था कि तू कभी जेल से बाहर ना निकल पाए। उसने इतनी बड़ी साजिश की थी तेरे साथ, लेकिन देख, मानव ने आके तुझे बचा लिया। मैं क्या है सोम, तुझे मानव को गलत समझ के बिल्कुल कुछ नहीं सुनना उसके बारे में।
उसको अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, उसको लोगन में अपना कद ऊंचा रखना है। इतना बड़ा बिल्डर बना है इतनी मुश्किल से, जाहिल गबार के लिए अपना सर झुकने देगा वो? तो बिल्कुल गलत सोच रहा, बिल्कुल गलत। एक बात बताती हूँ तुझे, एक माँ अपने बच्चे को जब डांटती है ना, तो बच्चा सीधा भागकर अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं, उसे प्यार करते हैं। और जब पिता डांटते हैं, तो बच्चा अपने माँ के पास आता है, अपने पिता की डांट से बचने के लिए। ऐसे ही होता है सोम, दोनों डांटते हैं ना, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा उसी गाल पर प्यार भी करता है ना। मैं तुझे ये समझाना चाह रही हूँ सोम, कि दोनों बच्चों से प्यार करते हैं, माँ भी और पिता भी, लेकिन दोनों का अपना अपना तरीका होता है प्यार जताने का, गुस्सा दिखाने का। सोहम, माँ बहुत इमोशनल होती है, तो वो अपने बच्चे को दिखा सकती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है, उन्हें बताने में थोड़ा वक्त लगता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ कि मानव तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते, तेरी जमानत कभी नहीं कराते। आई, इतने ना समझ नहीं है हम, हमारी जमानत क्यों कर बाते? लोगन में रुतबा है उका, कल को अखबार में आ जाता कि उका एक बेटा चोरी के इल्जाम में जेल में, बदनामी होती ना, वो बदनामी से बचने के लिए छुड़वाया उसने हमको। नहीं तो सच्ची ना था हमारी जमानत हर बात, उका बस चल तो जिंदगी भर जेल में रखे हमरे को। अच्छा हुआ अब पता चल गया ना उन लोगों कि हम चोर ना ही है। लेकिन आई, दुख सिर्फ ये बात का है कि जौन आदमी हमरे को पाल पोस कर बड़ा किया, वो हमरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचा। हम उनको अपना अपना पिता कहते थे आई। छोड़ जाए दे, बात नहीं करनी हमरे को अतीत के बारे में। सोहम, आज नहीं तो कल तुझे जरूर पता चलेगा कि मारव तुझसे कितना प्यार करता है। तब तू देखना, तेरी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और उस दिन तू दिल से उन्हें बाबा कहकर बुलाएगा। मैं तुम दोनों के बीच की दूरियां कम करके रहूंगी। सो मेरी परी तो बहुत अच्छी है ना, किसी को तंग नहीं करती, अच्छे से रहती है ना परी। पूर्वी चल आ जा, नाश्ता कर ले। आई, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाबा कहाँ हैं? चले, हाँ बाबा चले। मानव चले क्या, नाश्ता रेडी, आइए पहले नाश्ता कर लीजिए। अच्छा बिल्कुल टाइम नहीं है, हम लोग बाद में कर लेंगे। मानव टाइम की क्या बात है, आप पहले नाश्ता कीजिए। आई, अरे और ये इसे भी ले जाएगी वापस। हाँ जल्दी जल्दी, चलो आओ नाश्ता करो पहले। आई मेरे को नहीं सुनना, मानव नाश्ता कीजिए, चलिए आइए। चलो कोई चारा नहीं है? नहीं है, आइए। थोड़ा सा मेरे प्लेट में डालो, थोड़ा। कुरियर है सर। मानव मैं देखती हूँ। पूर्वी देशमुख के लिए। किसका है? किसका है? कौन है? तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। So here is the plan which we have prepared 2014. In case you have any doubts, any queries, do let me know. And iski details aapko Anushka de.
आई सी कि मिस पूर्वी आप गीली हो चुकी हैं, आपको ठंड लग रही होगी।